तो आरएलपी रो के पर तो गांव रे वोटर की बात करा तो गांव में कितना वोट है राजी के चाओ बदलाव मतदान नरसिंहनाथ नरसिंहनाथ जी के विकास हो गांव में के माहौल लागे किन्ने वोट दे से जनता के चारी है यहाँ बताओ कि गांव में के माहौल है किन्ने वोट जासी माहौल की रहा ज्यादा प्यारी लाल जी रोगानाथ जी के माहौल है गांव को किसी पार्टी को प्रभाव है बहुत नमस्कार आज की रिपोर्टिंग गांव दावा ना शुरू कर चुके हैं सतलोक टीवी राजस्थान और गांव के कुछ निवासी हैं इनसे बातचीत करते हैं पता करते हैं कि किस पार्टी का किसका माहौल है क्या नाम है रोगानाथ रोगानाथ जी के माहौल है गांव को किसी पार्टी को प्रभाव है बहुत बढ़िया है सर माहौल की रहा ज़्यादा प्यारे लाल जी रो क्या है माहौल बहुत बढ़िया है तो बिहारी लाल जी रा कार्यकाल रा 5 साल पूरा गया वीर बार हम बात करनी चाहवा तो थाने गांव में के विकास हो सब जनता है ना जकी के भाई तो थाने ध्यान में के नजर में के चीज है कि विकास हो गांव में बहुत बढ़िया गांव में विकास हुई है सब वही है तो वहाँ पर दूसरा व्यक्ति भी अपने साथ अभी बातचीत कर रहे हैं युवा के नाम है आप मारो नाम नरसिंहनाथ नरसिंह जी के विकास हुआ गांव में विकास बढ़िया हर चीज की सुविधा भी हुई है पानी की योजना चल रही है और वो भी पूर्ण हुई बाकी विकास बढ़िया है लाइट पानी की फुल व्यवस्था है फुल व्यवस्था है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की योजना चल रही है बात सुनी कौन मुख्यमंत्री जी की योजना चलो थाने चीज को ध्यान को दूसरा लोग यहाँ अपने साथ है मैं बातचीत करा के नाम आप हड़वान हड़वान जी के माहौल लागे किन्ने वोट दे से जनता के चारी है जय लाल जी के है इस बार परिवर्तन राजस्थान मुख्यमंत्री किन देखने चाहो बीजेपी मुख्यमंत्री कोई चेहरा है ही कौन तो बीजेपी मुख्यमंत्री किन बना है किन ने बना है तो थाने की सुने तो प्रिय लगा कि मुख्यमंत्री बनाना चाहिए आज ये जीत रजन बताओ पहला का तो बीजेपी रुचाओ बस बीजेपी रुचाओ बीजेपी रुचाओ तो ये बताओ के नौका क्षेत्र में जो कुछ एमएलए और भी है कांग्रेस के प्रत्याशी बैंक बारे में के कहने चाहो कांग्रेस में तो वोट ही नहीं देना चाहो बीजेपी है तो बीजेपी ही रखेंगे कांग्रेस ने वोट क्यों कौन देनी चाहो ऐसे नहीं देना बीजेपी है तो फूल को ही खिलाएंगे फूल को ही खिलाएंगे इनका जनता का मूड है कि फूल को ही खिलाएंगे और दूसरा के नाम आप रो मेरा नाम खेराज खेराज जी के चाहो बदलाव मतदान है तो बीजेपी जाओ सारा पूरा गांव बीजेपी सपोर्टर है क्या हाँ गांव तो सपोर्टर के रेट उबा गई चार 5-10 ठीक है तो कांग्रेस तो 7 साल रही मैं तो कहते कि कौन कांग्रेस योजना तो बहुत चल रही है नहीं मुख्यमंत्री योजना तो चल रही है सब भ्रष्टाचार चला रही है कोई कुछ नहीं आता ये 2014 में मोदी आया नमस्कार आप देख रहे हो सतलोक टीवी राजस्थान आज गांव की चौपाल में आ चुके हैं जकई जगिया रो नाम है दावा गांव है नहीं हो हाँ दावा गांव के नाम है आप रो मेरा नाम हीरा राम नैण हीरा राम जी नैण यहाँ बताओ कि गांव में के माहौल है किन्ने वोट जासी गांव में तो देखो सर ठीक है सब ज्यादा माहौल है देखो सुशीला डुडी रही है सुशीला डुडी जी माहौल है तो बिहारी लाल जी बिश्नोई आज थारे गांव में आया के बातचीत करी के कर गया तो मैं वादा तो सभी कर ही है आवे देखो सभी आवे ही है कन्या लाल जी से डब्बे भी आई डुडी आई प्यारी लाल जी आ जाया और बन देने वाला वोट बन भी दई डुडी डुडी ने देना डुडी ने दई कन्या लाल जी ने देना कन्या लाल जी ने दई सब अलग अलग पावर पर्दे ला रहे हैं मतलब त्रिकोणी चुनावी माहौल है तीन कोणा रो है वो तो हमेशा ही वही है हमेशा भाव है भी हिसाब ही अब की बार थोड़ा डुडी साहब अस्वस्थ है मेरे वजह थोड़ा जनता में प्रभाव बहुत ज़्यादा है
मतलब संवेदना है कि भी जल्दी ठीक हो और जीता नहीं चाहे आदमी मतलब भगवान ऊपर ना ही करा गया जल्दी जल्दी रेडी हो बरात बीच में आवे। तो गांव रे वोटर की बात करा तो गांव में कितना वोट है? वोट तो कितना है 2500 है कितना है 3000 31 वोट है। दो बूथ है दो में चार बिहारी लाल जी विष्णु 5 साल कार्यकाल का पूरा हो गया तो कार्यकाल की हम बातचीत करा तो बताओ कि गांव में के विकास भाई 5 साल में विकास में तो बिहारी लाल जी तो यहाँ नहीं के मारत गांव में की कराए 5 साल में जो आप रिकॉर्ड को 5 रुपया कटे लगाया करिया तो नौका भिन्न भिन्न मतलब आप भी ये गाँव में लगाया अड तक। दूसरी बात करा तो आपने कोई समस्या के बारे में बातचीत करा कि जनता रो गांव रो मुद्दों के है कि आधार पर वोट कर सो तो वो पानी है नहीं मेन रास्ता मारे रास्ता नहीं प्रॉब्लम है किस रास्ता की प्रॉब्लम यहां अभी गांव सीधो टेढ़ा टांटो जब 84 फुट रास्ता है गवर्नमेंट कटुड़ो है और गांव बाहर निकलते 500 मीटर एड़ी जगह है तो छोटी गाड़ी इसको भी सिपट गाड़ी आप लेर निकल नहीं सको बरूड़ी गाड़ी ईंट पत्थर की कोई मकान कराने वास्ते लेर जावाना तो मतलब मारे पाँव तो नौको ही है नौके लाणो बीकानेर माल लाणो हो रो लेकिन गांव आगे घर ले जानो दो रो पूरी आबादी गांव रही है जगह टांट टेड़ा सरूप सर चितना कायरा टोटल गांव इन है नौकेरा लेकिन आड़ा हूँ बात अटके कोई सुनाई नहीं करे फिर गया है बन क्यों कहीं क्यों कहीं कई बार रहने कई बार देखे हमारे राजा जी तो 200 फुट हर गांव की राजा जी बानी देख लिया तो आरएलपी रो के प्रभाव है गांव में आरएलपी रो कैंडिडेट ही कौन निर्भर प्रभाव भी कौन क्योंकि सब कांग्रेस रो प्रत्याशी है वो सीट मतलब खड़े भी कौन है तो दूसरी बातचीत करा आप के नाम नरसी राम गवाला के माहौल लगे किन्ने वोट मोल तो कांग्रेस हुई है और थे वोट किन देश में सुशील लड्डू दे डूडीन दे कांग्रेस ने दे वो सुशील लड्डू दे सुशील लड्डू दे दे फिर कांग्रेस ने भी दे कांग्रेस सुशील लड्डू दे वन कांग्रेस हुई गी वोट फाइनल है थे तो ही कांग्रेस ही हार कांग्रेस नहीं दे के नाम आप नारायण राम गोवाला नारायण राम जी के माहौल लगे किने वोट जाए माहौल बढ़िया है कांग्रेस हो अब सुशील डुडी रो चले फुले दावा गांव में बहुत बढ़िया है एकदम चमोल है बीजेपी रो बीजेपी रो तो क्या है इधर 5 साल में 1 रुपये का काम नहीं हुआ 1 रुपये का काम बता के नहीं गया अभी मैं MLA साहब ने पूछा था 1 रुपये का काम नहीं हुआ MLA साहब बोला मेरे से कुछ पार नहीं पड़ रहा इसमें तो दूसरी बात करा तो गांव रे अंदर कोई विकास वगैरह 5 साल में MLA कोटे की तरफ से एक भी काम 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। अच्छा भेदभाव हुआ है हमारे से दवा से भेदभाव हुआ है। गहरी लाल जी विष्णु योजना चल रही है पानी की उठा काम को ने पानी की कांग्रेस की सरकार है कांग्रेस सरकार ने ये पानी की योजना चालू की है वो कांग्रेस सरकार पिछली सरकार में रामेश्वर जी डूडी ने पास करवाई थी बीजेपी से फिर बिहारी लाल जी ने बंद करवा दिया फिर कांग्रेस की सरकार बनी है रामेश्वर लाल जी डूडी ने ये जोर से मतलब पूरे जोर अपना दमखम लगा के ये मेरी योजना पास करवाई है। पहले 400 करोड़ की थी और 700 करोड़ की अभी कुछ ऐसा करके फिर करवाई बहुत अच्छा काम करवाया बहुत बढ़िया काम करवाया। पिछली बार भी नेता प्रतिपक्ष था तो इधर डाणियों में और मैं सब जगह लाइट वाइट लगवाई हमारे बहुत अच्छा काम किया। तो आपने देखी गांव दावा से जनता से बातचीत ऐसे ही आप वीडियो में बने रहिए आपको दूसरे गांव की रिपोर्ट दिखाएंगे जब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत।